स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में गुरु नानक देव जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह से ही जिले में कीर्तन का आयोजन किया गया और प्रभात फेरियां निकाली गई। श्री गुरु सिंह सभा मड़ाताल के तत्वधान में जबलपुर की सबहू सहा सांगत द्वारा गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। देश के विभिन्न अमृतसर साहब से कीर्तन के जत्थे बुलाए गए हैं। जबलपुर के समूह गुरुद्वारे के संगत ने मिलकर इस पर्व को मनाने का उद्यम किया है, जिसके लिए सभी गुरुद्वारे कमेटियों को बधाइयां दी गई हैं। गुरु नानक देव जी की जयंती पर जबलपुर के गैरसन ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जबलपुर सहित दूसरे जिलों के लोगों ने भाग लिया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। दास रहन हुण फतेह बुलाओ जी, वाहेगुरु जी का खालसा। सरकार जो पंते महान गुरबानी विचारे ज्ञानी डॉक्टर हरमन सिंह जी, 1 बजे तक वीडियो बात कहती है कि जो कुर्सी होते बैठे हुए हैं के पिछले पासे जिते के स्टार शुरू होता है उसे लै जान, क्योंकि वीर सिंह जी हजूर लग जाता है। श्री हरिमंदर साहब इन्होंने उत्ते इलाज किया, इस करके संतान के पास बेनती है कि कुर्सियों को घट्टो घट बैठन और जिसने बैठने की जरूरत है वो पिछले पास। ज्ञानी जी पास बेनती है कि 1 बजे तक गुरु नानक देव जी साखी होने की फिलासफी जो सुबह चर्चा हो रही थी। आज 27 नवंबर को श्री गुरु सिंह सभा मड़ाताल के तत्वधान में जबलपुर की समूह साध संगत के द्वारा गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर साल की तरह इस साल भी इस पर्व को मनाने के लिए बाहर से दूर दूर से अमृतसर साहब से कीर्तन जत्थे बुलाए गए हैं और इसी के साथ जबलपुर के समूह गुरुद्वारों के संगत ने मिल के इस पर्व को मनाने का उद्यम किया है। मैं श्री गुरु सिंह सभा मड़ाताल की तरफ से जबलपुर की समूह साध संगत को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर लख लख बधाई देता। गुरुदेव सिंह रील, सचिव श्री गुरु सिंह सभा मड़ाताल। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।